अस्सलाम वालेकुम, रेडियो सबका साथ पे आप सुन रहे हैं फन टाइम विद शायर एंड कंपनी, और मैं हूँ अक्सर ज़्यादा, और मेरे साथ जो है मेरे को आरजे शायान और इरम भी मौजूद हैं। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने जो वीक्स हैं उनको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और यकीनन हमारी इंटरटेनमेंट का बहुत इंतज़ार आप लोगों को होगा। और इसके बाद देखते हैं कि शो के लिए ब्रेक होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो फिर पता चलेगा बाद में ही। और इसके साथ ही जो है वो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक रिवायत होती है, जाहिर है हमसे आप लोग बात करते हैं, जो है कमेंट अपने हमसे शेयर करते हैं, तो उसका शेयर करने का एक छोटा सा तरीका है जो कि अक्सर हम लोग आप लोग को बताते रहते हैं, तो वो तरीका मैं आज बताना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर जो है मैं अपने दोनों को आरजेस को बुलाऊंगी। तो वो तरीका ये है कि आपने अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और वहां पे लिखना है नई सुबह NAISUBAH, और उस नई सुबह आपकी स्क्रीन पे सामने होगा, उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद जो है आपने बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और आपने वहां पे फन टाइम विद शायर एंड कंपनी सुनना है, जिसमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपके बारे में जान के हमें भी खुशी होगी और हम भी आपको अपने शो में बहुत सारी चीजों का बताते रहते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि अब इरम आर्य बोलें, क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया है और अपने हिस्से का बोल लिया है। तो इरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच अक्सा। और जी लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि तमाम भी लिसनर्स ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने जिंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। ये जब शायान मेरे साथ होते हैं ना शो में, तो मुझे याद रहता है कि मैंने ये जुमला जरूर अदा करना है ताकि शायान जो है वो अपना नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो जी लिसनर्स, आप बताइए आपने अपना लास्ट वीक किस तरह सेलिब्रेट किया है? आपने शायान जैसे कहते हैं ना कि आपने कोई नई जगह एक्सप्लोर की है या कोई नया खाना एक्सप्लोर किया है, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तरीक़ेकार जो है वो हमारी आरजे अक्सर ज़्यादा आपसे शेयर कर चुकी हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि शायान अपनी प्यारी सी आवाज़ हमारे लिसनर्स तक पहुँचाएं ताकि लिसनर्स को पता चले कि शायान भी हैं, क्योंकि शायान जब से शो का आगाज हुआ है शायान बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी एंट्री नहीं दी उन्होंने। तो शायान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लिसनर्स, क्या हाल चाल है जी? आई नो वेलकम, खुशामदीद, और आप लोग सुन रहे हैं जी रेडियो सबका साथ फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। इसी तरीके से सुनते रहिएगा, हर हफ्ते सुनते रहिएगा, बल्कि हर महीने, हर साल, और जब तक हमारा शो आता रहे तब तक सुनते रहिएगा और हमें सराहते रहिएगा, हम तक अपनी आवाज कमेंट के जरिए पहुंचाते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कि आप लोग लास्ट वीक कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, और कोई नई डिश खाई कि नहीं खाई। तो भाई जिंदगी तो मस्त गुजर रही होगी यकीन, और मस्त गुजरनी भी चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी और हम सबकी जिंदगी भी मस्त गुजर रही है। थोड़ी छोटी मोटी ऊंच नीच जो आती है वो तो जिंदगी का हिस्सा है भाई, क्योंकि जब हम कभी पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं तो कभी रास्ता हमार होता है, कभी रास्ता खराब होता है, तो उस जो रास्ते की मुश्किलात हैं उनसे परेशान होकर पहाड़ पे चढ़ना नहीं छोड़ देते, और जब मुश्किलात से डरे बगैर ही अपनी काम को जारी रखते हैं तो आखिरकार हम लोग पहाड़ की चोटी को सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही लेते हैं। तो इसी तरीके से जिंदगी को भी हमने गुजारना है परेशानियों के साथ साथ, और उनको बल्कि सिर्फ फेस नहीं करना, उनको चैलेंज देना भाई कि हेलो साइड पे जाओ वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तो इसी तरीके से लाइफ को गुजारना है और जिंदगी की जो परेशानी है उनका सामना करना है, उनका डट का मुकाबला करना है, और उन्हीं परेशानियों में से अपने लिए बहुत से रास्ते निकाल लेने हैं। तो इरम ये बताएं कि जबरदस्त जबरदस्त, मुझे पता था आज नहीं, मुझे शो का आगाज आपने इतने अच्छे से किया है, मतलब इतनी अच्छी बात के साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे शो में कोई ऐसी जबरदस्त बात की जाए और उससे आगाज हो। और आज शो के स्टार्ट में आपने बोला और बहुत ही अच्छा बोला, जबरदस्त बोला, और मुझे बड़ी खुशी, और मुझे लग रहा है कि अब शो के एंड तक जो भी, मतलब हम कुछ भी अगर बोलेंगे तो अच्छा होगा, मैं ये कहना चाह रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज मेरे अजीज। ओ भाई, मुझे पता है कि आपकी तरफ से ना बस यही आता था, जबरदस्त जबरदस्त यही होना होता है, जबरदस्त जबरदस्त, हर दो बार दो मिनट बाद जबरदस्त जबरदस्त। भाई देखिए, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आप खुश हो जाएं इस बात पे, आप तो मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करते। अच्छा
मैं एक न्यूज अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। यकीनन उन्होंने उनको मालूमात तो होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा कि भाई मैंने भी मालूमात शेयर करने में अपना हिस्सा डाला था। तो मालूमात कुछ यूं है, कुछ थोड़ी सी पुरानी है, ज्यादा नई नहीं है, लेकिन है तो अच्छी क्रिकेट लवर्स के लिए कि भाई PSL मैचेस के लिए जो पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो जो है NCOC ने इजाजत दे दी है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने, तो उस पे हुआ ये है कि 100% में से आपकी सिर्फ 20% जो आवाम है वो आपके स्टेडियम में आके मैच देख सकती है। तो इसी बात को सुनते साथ ही अक्सर मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे मुझे मैच आना है। मैंने कहा भाई अब ये देखे ना अक्सर पढ़िए तो अक्सर ही कुछ बताएंगे कि किस तरह मुमकिन होगा। हम कोशिश तो कर सकते हैं, ऐसा भाई नहीं अगर मुझे नहीं लेके गए ना आप लोग तो कोई भी नहीं देखने जाएगा। मैं पहले बता रही, नहीं तो ऑन एयर आज शो में लड़ाई होगी इस बात पे। शायान प्लीज मुझे भी आप लोगों ने साथ लेके जाना है, अक्सर अगर आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी और अगर मैं ना जाऊँ तो भी मैं जाऊंगी। शायान भाई तुसी चले जाओ, साड़ी खैर तुसी जाओ। लिसनर्स आप देख रहे हैं, लिसनर्स आप देख नहीं रहे, आप सुन रहे हैं कि हमारे जो दो आरजेस हैं वो जाने के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और यकीनन इनको चाहिए कि आप वो मेरे लिए भी स्ट्रगल करें। तो लिसनर्स आपने अपने कमेंट बॉक्स में अब बताना है कि क्या है, नहीं मेरे लिए स्ट्रगल करनी चाहिए या नहीं, मुझे जाना चाहिए चयान। अगर मैच में ना जाना हुआ तो इसमें स्ट्रगल की क्या बात हुई, वो तो हम कोशिश करेंगे। मेरी बात सुनो, अभी शायान ने क्या कहा कि रास्ते जो हैं वो दुश्वार भी होते हैं और हमवार भी होते हैं, तो मतलब आप लोग कोशिश तो करेंगे तो ही कहीं ना कहीं कुछ होगा ना। और वैसे भी नहीं, आप परेशान मत हो इरम, वैसे भी मैच में जब जाते हैं तो सब साथ ही जाते हैं, अकेले कोई एक बंदा या दो बंदे तो जाके मजा आना भी नहीं है। आप बेफिक्र हैं, आपको साथ लिए जाएंगे। हाँ थैंक यू। देखिए लिसनर्स कितने अच्छे मेरे को आरजेस हैं कि मुझे उम्मीद थी कि ये मान जाएंगी, और अभी शायान भी ये कहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल हम आपको लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्यों शायान? मेरे पास ना PSL 4 का जो एक वीडियो बनी हुई पड़ी हुई है जब हम लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे, तो इरम मैं आपके लिए वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख के दिल बहला लेना, जिसमें हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर रहे हैं। तो वो मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको देखना और थोड़ा सा इत्मीनान हासिल करना, जब तक हम लोग कोशिश कर लेंगे कि ये जो PSL का पहाड़ है ये कैसे सर करना है। शायान मुझे नहीं पता, मुझे साथ जाके वहाँ पे लाइव बैठ के देखना है, मतलब किस तरह का माहौल होता है, कितना बड़ा ग्राउंड होता है और कितनी सारी पब्लिक होती है और मतलब कैसा शोर शराबा होता है, और मतलब मुझे सब कुछ एवरीथिंग मुझे वहाँ जाके देखना है। मुझे वीडियो ना दिखाएं, वो भी पुरानी वीडियो, क्या पता उस पिछले साल में उस PSL में कुछ हुआ था या इस PSL में कुछ और हो जाए या क्या हो जाए, तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे साथ ही जाना है बस। हाँ पिछले साल क्रिकेट का मैच हुआ था PSL में, तो अब की बार क्या पता हॉकी का मैच हो रहा हो ना, वहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था यार, मतलब आप लोग मेरा समझते नहीं है, बात को निकल पड़ते हैं आधी रात को। शायान और अक्सा आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें ना भाई। खैर आपने शो में एंट्री मारी तो आपने उस बड़ी जबरदस्त बात कही और आपने बड़ी ही जबरदस्त न्यूज हमारे साथ शेयर की है, और अब जो है वो मुझे बड़ा वो हो गया है कि मैंने मैच देखने जाना है, और अगर आप लोग मेरे को नहीं लेके गए मैच में बस काम हालात दोनों खराब कर दूंगी मैं आप दोनों के। लेकिन मैं अभी भी थोड़ी सी शॉक्ड हूँ, वजह ये है कि मैं बड़े मजे से कह तो रही हूँ मुझे भी जाना है, मुझे भी दिखाएं, मैंने भी देखना है मैच ना लाइव जाके, लेकिन बात असल में पिछली बार भी जो है वो मैं परमिशन की वजह से रह गई थी, और इस बार मुझे डर लग रहा है कि परमिशन की वजह से मैं रह ना जाऊं, तो मेरा तो अभी 50 नहीं 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 इस दफा आप, मैं आपके लिए दुआ करूंगी आप जाएं, लेकिन आप मैं आपके लिए दुआ करूंगी ना, तो आपने मुझे भी साथ लेके जाना बस, सही है ना? इंशाल्लाह जरूर जाएं। आपके लिए तो कोई परमिशन का मसला नहीं है ना? नहीं 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 मेरे लिए कोई भी मसला नहीं है परमिशन का, और वैसे भी हमारे जो है ना वो रोजे भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनमें मैं स्पेशली दुआ करूंगी आपके लिए कि आपको मैच देखने जाने में कोई रुकावट ना आए। तो आप जरूर जाएंगे मैच देखने जी शायान, आप क्या कह रहे हैं? जब तक आपके रोजे स्टार्ट होंगे तब तक PSL खत्म होने वाला होगा मेरी बहन। क्यों, वैसे कब से स्टार्ट हो गया PSL? ये मुझे तो पता भी नहीं है, वैसे न्यूज नहीं देखी। आप सोई भी है, मैंने भी बताया भी है कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आप
पहली मैं तो न्यूज नहीं देखती ना भाई, तो न्यूज विकिपीडिया पे सामने बैठा हूं। हमारे रोजे तो जो है वो 17 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं ना। अच्छा तो आपके 17 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे माइंड में ये था कि आपके रोजे ना 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। आप जब रोजा रखें तो, क्योंकि मैंने ये सुना है कि रोजेदार की जो दुआ है वो अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है, तो मुझे भी याद रखिएगा। अच्छा अक्सा और एरम, आपको पता है मैंने ये जुमला क्यों बोला था कि भाई जिंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं लेकिन फिर भी हमने डट के सामना करना है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। आप बताएं आपने क्यों कहा था, जरूर आपने कोई अच्छा काम किया होगा मुश्किलों के बाद। नहीं, मुश्किलों के बाद मैंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मेरी सिचुएशन अभी ऐसी है कि मैं इस वक्त शदीद तकलीफ में हूँ लेकिन फिर भी अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहा हूँ। मेरे हाथ में शदीद तकलीफ हुई हुई है, मेरे हाथों में ना छाले बने हुए और आप हंस रहे हैं, तकलीफ में हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने शो नहीं छोड़ा, बाकी जिंदगी के काम नहीं छोड़े। तो भाई जिंदगी में तो मुश्किलात आती रहती हैं और जिंदगी का नाम ही यही है, मुश्किलात और तकलीफें। तो भाई इन्हीं मुश्किलात के साथ हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है और इनको कहते रहना कि भाई ओके कम ऑन लेट्स गो, साथ साथ चलो, लेकिन हम तुम्हें इतना कोई तवज्जो नहीं देंगे। तो आप बताएं कि आप कभी अगर मुश्किलात आती हैं, इरम और अक्सा आपकी बात कर रहा हूँ, आप दोनों से बात पूछ रहा हूँ कि अगर कोई मुश्किलात आती है तो फिर आप क्या करती हैं? देखिए शायान, मुश्किलात जैसे अभी आपने कहा ना कि आती हैं, और ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जिसकी जिंदगी में जो है ना मुश्किलात नहीं आती होंगी। अब कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, अब उसका रोला तो नहीं लेके बैठ जाना कि जी अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो अब क्या करें। भाई अब इस सिचुएशन से बचना कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है, हमें ये सोचना चाहिए। जहां तक हम प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं उसके ऊपर रो रहे होते हैं, अगर वहीं हम 2 मिनट बैठ के सोचें कि जी इसका हल क्या है, अब तो ये हो गया ना, अब आगे क्या करना है, इसको अगर हम सोचें तो मेरे ख्याल है कि हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो ना इतनी बड़ी होगी ना ही जिसकी वजह से हम लोग जो है ना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार होंगे। वेरी गुड भाई। अच्छा जी, तो शायान और अक्सा मैं ये कह रही थी कि जी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हम उस मसले को उस मुश्किल को जो है वो बड़ा बना देते हैं। और मैं अपनी मिसाल देती हूँ, दूर नहीं जाती, कोई अगर मुश्किल आती है मुझ पे या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए कि जिसका मुझे मुकाबला करना होता है, तो मैं सबसे पहले जो है वो परेशान हो जाती हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। और सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इवन लिसनर्स मेरे अपने ये जो दो को आरजेज हैं मेरे साथ, ये मुझे बहुत ही कहते हैं कि जी आप परेशान हो जाती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सोचें पहले, जैसे आप जितना टाइम आप परेशानी में जाया कर रही हैं उतना टाइम आप सोच लें तो आपको कोई इस परेशानी का, इस मसले का सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले मैं बहुत ऐसा किया करती थी कि इस तरह मूड ऑफ हो जाना, परेशान हो जाना, और जब थोड़ी देर बाद सोचती थी कि इस मसले का ये हल हो सकता है तो फिर मुझे खुद पर ही गुस्सा आता था कि यार यही थोड़ी देर पहले मैं सोच लेती तो ये जो इतना रोना धोना मैंने किया है या मैं परेशान हुई हूँ तो ये ना होती। तो सिंपल इज दैट कि परेशानी को जो है अगर कोई मुश्किल आ जाए तो अगर वो मुश्किल है तो उसे आसान बनाना हम इंसानों के ही हाथ में है। अल्लाह जो है वो हमें आजमाइशों में डालता ही इसलिए है कि हमें पता चले कि हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए। तो अल्लाह अगर हमें आजमाइश में डालता है और फिर रास्ते भी दिखा देता है उस आजमाइश से, उस मसले से निकलने के, तो सिंपल इज दैट आप अल्लाह पे यकीन रखें और सोचा करें कि आप कर क्या सकते हैं इस वक्त इस मुश्किल में, तो आपको सारे रास्ते, मुश्किल जितने भी रास्ते होंगे वो सब आसान हो जाएंगे जी। वाह 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 वाह। अब इसमें वाह वाह, मैंने तो नोट भी कर लिए सारी बातें। वेरी गुड वेरी गुड, ये फोटोकॉपी करा के मुझे भी दे देना। जी 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 जरूर जरूर, आप ले लीजिएगा। बाबा रणछोड़ दास ने ना बयान बांटा। शायान बस करें अब, आपने एक अच्छी बात की ना, तो आपको देख के मुझे ना मतलब दिल में बहुत सारी जोश आ गई, मुझे भी अक्ल आ गई, मुझे भी शऊर आ गया, मुझे भी कोई अच्छी बात कर लेनी चाहिए। लिसनर्स, और मेरे ना मेरे दिल में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि कुछ चीजें मैंने बचा के रख ली है कि शायद अगले किसी शो में अगर किसी कोई अच्छी बात करेंगे ना तो वो फिर मैं बोलूंगी। अब मैं उसकी भी फोटो कॉपी निकाल के सब में बांट दूंगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपने अपने यार एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और मुझे पता है, एक सवाल है जी,
आपने जैसे शुरू में बहुत अच्छी बात की है और फिर आपने हमें ये कहा कि मैंने आपसे क्यों सवाल किया है, तो आप हमसे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें या किस सिचुएशन, कैसे सिचुएशन थी? मतलब आपने ये तो बताया है कि भाई आपके जो है वो हाथ पर जख्म हुए हुए हैं जिसकी वजह से आप मतलब बहुत तकलीफ में हैं, तो आप फिर भी इस तकलीफ के बावजूद भी आप शो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपको देख के जो है ना हमें और हौसला मिला है कि हम अपने काम छोड़ के या फिर अपनी मसरूफियात छोड़ के या कोई भी परेशानियों से तर्क करके जो है वो हम अपने शो को रिकॉर्ड किया करें ज़रूर। लेकिन शायान इस शो को रिकॉर्ड करने की कोई खास वजह इस तकलीफ में ये बताएं? यानी मेरे लिसनर्स का प्यार है और आप लोगों की हमारी दुआएं हैं शायान। पता नहीं दुआएं कर भी रहे कि नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि लिसनर्स और मेरा प्यार है कि जो मुझे खींच ले आता है कि हाँ भाई शो तो करना ही करना है। तो लिसनर्स आप भी बताइएगा कि आप लोग मुश्किल हालात में क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं और उन मुश्किलात को दूर करके और अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत, इसी के साथ आपसे मिलेंगे फिर किसी शो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी जानिब से भी आप तमाम लोगों को अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। जी तो लिसनर्स, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, अपना भी रखिएगा ख्याल, अपने चाहने वालों का भी रखिएगा ख्याल, मुझे शान और अक्सा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।